अस्सलामुअलैकुम। आज की स्टोरी ये है कि मैं यहाँ पे सलाव, एक टाउन है यहाँ हमारे करीब, तो वहाँ आया था अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाने के लिए, उसका ऑयल और फिल्टर चेंज करवाने के लिए, टायर चेक करने के लिए कि टायर अगर ठीक है तो सही है, नहीं तो टायर भी चेंज कर लेते हैं। तो लेट्स सी, मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि इस एरिया में क्या है। सुना तो यही है कि पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत होते हैं, तो खाने पीने की चीज़ें जगहें वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है और बहुत सारे शोरूम नज़र आते हैं मुझे। अभी तक कोई छोटा ऐसा एरिया जहाँ पे खाने पीने के टेक अवे वगैरह हो वो नज़र नहीं आ रहे, तो बहरहाल चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा एक वॉक करके आ जाएंगे। और आज की वीडियो के लिए एक वॉक ही काफ़ी है। आज मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। आज टेम्परेचर 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और लोग घरों से बाहर होंगे, तो तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। आप रोड पे देख लें कि रोड की सूरत हाल क्या है जी। तो यहाँ करीब तरीन एरिया में जो कुछ शॉपिंग सेंटर सा है उसको विज़िट कर लेते हैं। ये मेरे पीछे एक मैकडोनल्ड नज़र आ रहा है, आप देखिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ से आगे घूमते घूमते एक इंडस्ट्रियल एरिया में आ गया हूँ, तो शोरूम है वो पीछे हुंडई का था, हुंडई का था, और ये आगे ऑडी का आ गया शोरूम। ये सारे शोरूम ही दिखा रहा हूँ आपको, तो देखते जाएँ अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये ऑडी का शोरूम है जी, गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर बड़ी बड़ी, बड़ी महंगी भी हैं, सेकेंड हैंड भी हैं, न्यू गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, उसकी ऑडी की। आगे जी है निसान का, निसान का जो शोरूम है वो भी दिखाता हूँ आपको कि वो शोरूम भी आप देख लें, क्योंकि और तो देख रहे यहाँ पे कुछ खास नहीं। मेरा ख्याल था कि यहाँ पे कुछ खाने पीने की मार्केट होगी, कुछ खाएँगे और देखेंगे कि यहाँ पर कीमतें क्या हैं पाकिस्तानी खाने। सुना है यहाँ पर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं। पाकिस्तानी खाने यहाँ पे सुना बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे ये बड़े बड़े शोरूम नज़र आए, कोई पाकिस्तानी खानों वाली या खानों वाली कोई दुकान नज़र नहीं आई। एक वो मार्क स्पेंसर का फूड हॉल नज़र आया था, लेकिन वहाँ पे चूँकि हलाल फूड नहीं होता। ये देखें जी, ये निसान का जो है वो शोरूम है, वहाँ पर हम आ गए हैं निसान के शोरूम के पास। तो आगे अब क्या है, सारे शोरूम ही दिखाए मैंने आज आपको, और कुछ खास चीज़ तो यहाँ पे नहीं थी। ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत खास है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, इतनी आम चीज़ नहीं थी, लेकिन हम तो खाने पीने की चीज़ें देखने आए थे, तो इसलिए कुछ खास बात नहीं थी, इसलिए आपसे खास बात भी नहीं की। जो मुंह में आया बगैर लिखे पढ़े बोलता जा रहा हूँ, पसंद आया तो शुक्रिया, ना पसंद आया तो क्या कर सकता हूँ, इस वक्त कुछ है नहीं कहने के लिए। हो रही है कोई खाड़ पछाड़ शुरू की हुई है, कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है कुछ हाल में, रोड के दरमियान का हिस्सा जो है वो ठीक करके लेवल करके कोई घास वास लगा देंगे, क्या करेंगे, ठीक कर रहे हैं। इन कॉन्सर्स के पास पैसा अच्छा खासा है और अब लगाने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, तो मुझे ही बात है। ये देखें भाई बड़ी तेज़ी से निकला, मैंने कहा पता नहीं क्या आ गया, तो ये बड़ी तेज़ी से साइकिल पर निकला। यहाँ पर आगे साइकिलें जो हैं वो मिलती हैं किराए पर, आप यहाँ पर रेंट पे दे के रेंट पे साइकिलिंग दे के जा सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ से कम 1, 2, 3, 4, 6, 12 साइकिलें होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त सिर्फ 3 खड़ी हैं। इसका मतलब है कि 9 साइकिलें यहाँ पे लोग ऑलरेडी रेंट पे लेके जा चुके हैं आसपास के एरिया को घूमने के लिए। मुझे चूँकि एरिया का पता नहीं है, साइकिल रेंट पर लेने का अभी फ़ायदा नहीं और टाइम भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला यह है कि टाइम है, अगर टाइम होता तो हम साइकिल रेंट पे लेकर इस एरिया को घूम लेते, लेकिन मुझे उन्हें गैरेज वाले ने कहा कि आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे बाद आप तशरीफ़ ले आइएगा, तो अब तशरीफ़ वापस लेके जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी जो है वो जो है गैरेज वगैरह जो हैं मैकेनिक्स हैं यहाँ पे निस्बतन सस्ते हैं। हमारा एरिया चूँकि गोरों का एरिया है, तो वहाँ पर गोरे अपने हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं जी, और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उनके साथ बार्गेन करना भी नामुमकिन होता, होता ही नहीं, बार्गेन आप कर नहीं सकते, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। यहाँ पे अगर वो 100 कहते हैं तो हम उनको 70-80 पे ले आते हैं, और वो बार्गेन भी कर लेते हैं, सस्ते भी होते हैं, तो अपने लोग होते हैं, उनसे बात करना, उनसे बात समझाना,
या वो सारी चीज़ें आसान होता है निस्बतन गोरों के। गोरे जो हैं वो टू द पॉइंट बात करते हैं और जो भी होता है वो उसको हर चीज़ को जुगाड़ के बगैर ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, यानी जुगाड़ नहीं लगाते, नई चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। हमारा ये है कि कोई छोटी मोटी गाड़ी में खराबी हो उसको रिपेयर करते हैं ठक ठुक करके, अपना जुगाड़ लगा के पाकिस्तानी स्टाइल का, इंडियन स्टाइल का, तो वो काम हमारा चल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ सलाव में आया था गाड़ी लेकर कि यहाँ से सर्विस करवाते हैं, उसका इंजन ऑयल वगैरह फ़िल्टर वगैरह चेंज करवाते हैं और जो भी उसको मसला है चेक करवा लेते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, इतना ही कुछ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे।